आज हम बनाएंगे ब्लॉग जो हमने रमज़ान के लिए तैयारी की थी, जिसके सामान हम थोड़े बहुत लाए, मतलब भर के ज़्यादा नहीं लाए क्योंकि लॉकडाउन भी है, उस हिसाब से खरीदारी की है। तो कहाँ से शुरुआत करें, ये हम सब्जियाँ लेके आए थे मॉल से, ये दो एक जैसी थी, दो एक गोल थी और एक अंडे के आकार की थी, ये दोनों मॉल से हम लेके आए थे, हमें अच्छी लग रही थी इसलिए कलर भी हम ये ले आए थे। और ये दो मग्गे लाए थे, मग्गे का कोई काम नहीं था मगर ये क्यूट सा छोटा सा था इसलिए ये वाला ले आए थे, और ये एक साथ में एक और ले आए थे, वही दोनों लाए थे। ये स्टील का फ्राई पैन लेके आए चाय वाय बनाने के लिए, अंडा उबालने के लिए या पानी उन्हें गर्म करने के लिए। स्टील का मेरे पास और है मगर ये वाला स्टील वाला मैं लेके आई, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैं लेके आई। और ये तो बहुत कम लोगों को मिलते हैं, ये देखिए, ये मैं मिट्टी के प्याले लेके आई हूँ अपनी लीप के लिए, सिमाई बनाने के लिए। ये छह प्याले हैं, ये देखिए इनकी डिज़ाइन इतनी खूबसूरत सी है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ये मिट्टी के हैं, बहुत ही खूबसूरत से हैं। ये हम छह पीस लेके आए हैं, ये मिलते नहीं हैं इस वजह से ले आए। और ये एक जग लेके आए हैं फ्रिज के लिए, फ्रिज में पानी लगा के रख दें या शरबत के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, ये एक जग हम ले आए थे, पतला सा है, ये ऐसे है कि फ्रिज में लगाइए और ऐसे ही निकाल लीजिए। उसके साथ एक जग और लेके आए थे, ये वाइट कलर का फ्लावर वाला, ये मुझे अच्छा लगा तो ये हम लेके आए। ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत सा, बिल्कुल अच्छा सा, और वाइट कलर का है तो अच्छा भी लग रहा है। और ये हम कटोरियाँ लेके आए थे, ये भी हम मॉल से लेके आए थे, ये कटोरी जो है ऑफर में थी तो इसलिए ले आए थे, मसाले वसाले दिखाने के लिए, चटनी के लिए, सॉस के लिए, किसी चीज़ के लिए भी काम आएंगे। उनके साथ ये डिब्बे लेके आए हैं, ये देखिए ये डिब्बे के अंदर डिब्बा, ये एक बड़ा सबसे बड़ा डिब्बा है, पांच डिब्बे का सेट है, उसके बाद उसके अंदर एक डिब्बा है, फिर ये उसके अंदर डिब्बे हैं, ये देखिए ये पांच डिब्बों का छेट है, छोटे बड़े फ्रिज में रखने के लिए भी आराम है, चटनी है, दही है या कुछ भी इसमें आप बंद करके खोल नहीं रहा। देखो ये देखिए सबसे छोटा सा क्यूट, कितना क्यूट सा है छोटा सा, ये रखने में भी आराम है, एक से अंदर एक ऐसे रखिए और जब यूज़ करना हो तब बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए ये आराम से बंद हो गए, ये थोड़ी सी डिब्बों में आ भी गई और ज़्यादा सामान भी इनमें आ गई, ये देखिए कितना खूबसूरत सा है। और ये हम छह कप लेके आए हैं जिनका अंदर से रोजी कलर है, ऊपर से सफ़ेद कलर है, अच्छा सा लग रहा था तो ये हम छह कप लिए, अच्छे लग रहे थे इस वजह से। और ये वाले तो कॉफ़ी के लिए लेके आए हैं, सफ़ेद कलर के कप हैं, बिल्कुल कॉफ़ी स्टाइल, जैसे मार्केट में कॉफ़ी पीने के लिए जाओ तो वैसे कप देते हैं, वैसे ही लेके आए। ये देखिए ये छः कप कॉफ़ी के लिए लेके आए। और ये देखिए छोटे बड़े करके ये हम कप चम्मच लेके, ये वाले बड़े चम्मच थे तो ये छः चम्मच है, ये देखिए, और डिज़ाइन भी इनकी अच्छी है, बड़े चम्मच है, फिर उससे छोटे हैं, ये देखिए ये इस डिज़ाइन के हैं, ये 12 चम्मच है, इसमें लास्टिक लगाइए कि इधर उधर खो ना जाए। और ये उससे छोटे हैं डिब्बों में डालने के लिए या चटनी में या अचार के डिब्बों में डालने के लिए, ये भी 12 चम्मच हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे से चम्मच हैं। और दो ये चम्मच लेके आए मैं, प्लास्टिक का ये रेड कलर का लगा हुआ है, इस वजह से ये मुझे अच्छे लगे कि बढ़िया से चम्मच हैं, दो चम्मच लेके आए हैं। उसके साथ ये एक छोटी सी कलछी लेके आए कुछ भी बनाने के लिए, तलने के लिए। और एक ये हम कैंची लेके आए हैं किचन के लिए, किचन वाली कैंची मेरी टूट गई थी इसलिए हमें किचन वाली कैंची लेके आए हैं, मिर्ची उर्चे काटने के लिए, क्योंकि मुझे मिर्चे कैंची से ही काटते, हाथ से काटो तो बहुत लगते हैं, इसलिए ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी। और इससे तो इतनी तेज़ है कि इसे तो ये देखिए कागज़ भी कट जाता है, कपड़ा भी कट जाता है, बहुत ही तेज़ ये कैंची है, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये छह इंगल ऐसे ही ले आए थे, अच्छे लग रहे थे, अल्यूमिनियम के थे तो ये हम छह इंगल ले आए। और ये छोटा सा पैन लेके आए हैं, ये भी मॉल से लेके आई थी जो है मैं, और इसके साथ आप कुछ भी बना सकते हैं, अंडा भी एक बना सकते हैं, ब्रेड सेक सकते हैं, टोस्ट बना सकते हैं। ये देखिए कितना छोटा सा है, क्यूट सा है,
उसके साथ ये कद्दू का छोटा सा, मेरे पास बड़ा है मगर उसमें काम नहीं होता है, तो ये वाला भी लेके आए छोटा सा। ये काफ़ी सस्ता था, पता नहीं रेट सब साथ मिला इसलिए पता नहीं, ये काफ़ी सस्ता था तो मिल गया था। उसके साथ ये ट्रे लेके आए हैं, जैसे दो कप चाय रख दीजिए कोई गेस्ट आ जाए या अपने लिए गिलास में पानी के लिए, ये ट्रे हम लेके आए छोटी सी खूबसूरत सी। उसके साथ ये हम लेके आए हैं दो, ये भी मॉल से लेके आए थे, ये देखिए ये दो लेके आए हैं। और इसमें दोनों का कलर, मैं तो चाहती थी कि सेम कलर के दोनों मिल जाए, मगर इस पैकेट में हर पैकेट में एक जैसे दो कलर है, मतलब ये अलग कलर के थे, तो ये इसलिए दो कलर में आ गए। उसके साथ ये हम एक चिमटा लेके आए, मेरे पास वो वाला चिमटा है, ये वाला नहीं था, जैसे आप कुछ बनाना चाहें, ज़्यादातर चिकन बनाने में भूनने में परेशानी होती थी, तो ये वाला ठीक है, अच्छा सही है। और साथ में ये देखिए छह बोतल का सेट लेके आए, आपको खोल के दिखाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बोतलें हम हर साल लाते हैं और हर साल फेंक देते हैं, क्योंकि वो यूज़ नहीं करनी चाहिए कहते हैं, इस वजह से हर साल छह बोतलें आती हैं। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत सी इसमें गोल गोल डिज़ाइन बनी हुई है, कलर बहुत प्यारा लगा, ये मेरी बेटी को पसंद है, ये वो कलर लेके आई थी उसे अच्छा लगा था। ये देखिए प्लास्टिक के जो है ज़्यादा नहीं यूज़ करनी चाहिए बोतलें, क्योंकि वो एक ही बस एक ही सीज़न यूज़ करना चाहिए, दोबारा सीजन में फेंक देना चाहिए, तो इसके ज़्यादा महंगे नहीं लाते हैं, क्योंकि चार ही दो ही तीन महीना यूज़ करना तो फेंक दी जाती है। उसके साथ ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, पता नहीं क्या था, ये लेके आए थे, बताया है कि इससे प्याज व्याज कटता है, तो इसे मैंने यूज़ नहीं किया है, बताया है। ये देखिए इसमें धार बनी है, नीचे से छील के प्याज रख दो तो ऐसे करके कट जाता है, ये मेरे हस्बैंड लेके आए, उन्हें बड़ा अच्छा लगा था, तो ये वो लेके आए हैं, अभी मैंने यूज़ भी नहीं करके देखा है कैसा है क्या है, बस लिया है तो आप लोगों को मैं दिखा दिया, अगर पसंद है तो आप लोग भी मंगा सकती हैं, ऐसे मतलब इस चीज़ को नीचे प्याज रख के ऐसे 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 करके कट सकता है। और ये भी मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, ये देखिए क्या है, हाँ ये ऐसे करके आप लगाइए इसे, और इसने बताया है कि काजू बादाम इसने रख के और ऐसे बंद करके ऐसे ऐसे मतलब आप काट सकते हैं, तो ये वो लेके आए हैं, उन्हें अच्छा लगा तो इसलिए वो ले आए हैं, अच्छा ठीक ही है काटने के लिए है, अच्छा है। ये देखिए अगर मेरी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बताइएगा कैसी लगी, क्योंकि मैं ज़्यादा फजूल का सामान नहीं लेके आई हूँ, मतलब भर का लेके आई हूँ, जो ज़रूरत का सामान है वो लेके आई हूँ। सबसे ज़्यादा क्यूट मुझे इन सब में ये लगा है, क्योंकि ये मिट्टी के हैं, ये ज़्यादा कीमती हैं, सस्ते हैं, मगर ये हम लोगों के लिए क्योंकि पीना चाहिए फ़ायदे वाले हैं मिट्टी के बर्तन, ये लेके आए हैं।